मैसेल ब्यूटी तिवारी डियर स्टूडेंट, आज जो है मैं आप लोगों को मैथ्स में कॉमन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज कॉमन फैक्टर। ए नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इफ इट इज अ फैक्टर ऑफ ईच ऑफ देम। डियर स्टूडेंट, कॉमन फैक्टर जो है एक हम उसे कहते हैं जब दो संख्याओं के बीच में अगर हम उसको फैक्टर निकालने के बाद जो कॉमन होता है, यानी दो वो नंबर जो है दोनों फैक्टर्स में अवेलेबल हो। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं 6 और 8, अगर हम इसका फैक्टर निकाल रहे हैं और इसका फैक्टर निकाल रहे हैं, तो दोनों का फैक्टर करने पे जो कॉमन हो, यानी इसमें भी अवेलेबल हो और इसमें भी अवेलेबल हो, यानी दोनों में अवेलेबल हो, तो वो नंबर जो है कॉमन फैक्टर कहलाता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या है और उसे हम कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द फैक्टर ऑफ 6, यानी 6 का मैं यहाँ पे फैक्टर निकाली हूँ। तो फैक्टर हम ये ध्यान में रखेंगे कि कभी भी फैक्टर्स जो होता है नंबर्स के लेस होता है या उसके इक्वल होता है, कभी ग्रेटर नहीं होता है। यानी अगर हम 100 लेते हैं तो कभी भी इसका फैक्टर जो है 100 से लेस होगा या 100 उसमें इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे हमने 6 का जब फैक्टर्स निकाला है तो 1, 6, ये जो है ये 1, 2, 3, 6, इसका 4 जो है फैक्टर्स निकला। उसके बाद फिर फैक्टर ऑफ 8, यानी 8 का जब मैं फैक्टर निकाली हूँ तो 1, 2, 4, 8, दैट मीन्स इसका भी कितना फैक्टर निकल रहा है, तो 4। अब हम दोनों के फैक्टर्स में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या कॉमन हो सकता है। तो देखिए, लुक एट सी एंड ऑब्जर्व, इसको आप लोग देखिए और ये बताइए कि और सोचिए कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 3 जो है इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, यानी दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है 3, 4 का। उसके बाद 6 जो है इसमें नहीं है, 8 जो है इसमें नहीं है। दैट मीन्स दो ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, यानी दोनों में अवेलेबल है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों 1 के जगह पे क्या करेंगे, 1 बाहर करेंगे और दोनों 2 के जगह पे जो है हम 2 बाहर करेंगे। तो यही 1 और 2 जो है ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। यानी द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8 आर 1 एंड 2, यानी 6 और 8 का जो कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। यानी ऐसे ही जो है हम कॉमन फैक्टर को निकालेंगे। यानी आप लोग समझ गए कि कॉमन फैक्टर क्या है, यानी दोनों नंबर्स में जो नंबर जो है अवेलेबल हो वो जो है कॉमन फैक्टर्स कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होता है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसको कैसे निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू।